बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हालिया जो हालात चल रहे हैं जी जद्दा यानी कि किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, इसके मतलब आपने बहुत सी वीडियो देख ली होगी। मैं आपके साथ कल रात को ही एक हंगामी हालात के मतलब वीडियो शेयर कर चुका हूँ और आपने देखा होगा कि रश कितना लगा हुआ है और अवाम भाई 15-20 घंटे से भी ज़्यादा बहुत से अवाम को हाजी हजरात को वहाँ पर गुजर चुके हैं जी, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ्लाइट आएगी या हमारी बोर्डिंग का टाइम कब आएगा, फ्लाइट डिले या जो कुछ भी हो रहा है जी। इसके मतलब पता है आपको अवाम कैसे खज्जल हो रही थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का एक दूसरा रुख भी सामने आ चुका है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और जो इन्फॉर्मेशन अभी तक की ताज़ा तरीन आ चुकी है वो भी क्लियर करूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है जी कि आने वाले कुछ ही घंटों में तमाम तर मामला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नॉर्मल हो जाएंगे। अभी भी आपके साथ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सी फ्लाइट्स उड़ा दी गई हैं और हाजी हजरात को भेज दिया गया है, हल्का फुल्का रश बाकी है लेकिन आने वाले 4 से 5 घंटों के दौरान यानी कि मुकम्मल तौर पर नॉर्मल जैसा कि पहले होता था वैसा तमाम तर मामला। जो भाई वहां से छुट्टी पर आने वाले हैं यानी कि अपनी फ्लाइट वगैरह आप डिले मत कीजिएगा और ना ही कोई किसी टिकट अपनी कैंसिल करवाइएगा ना आगे करवाइएगा। जो यहां से छुट्टी कर जाने वाले हैं आप भी अपने टाइम के ऊपर जाइएगा, कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही एयरपोर्ट के ऊपर 10 घंटे पहले पहुंचे। हाँ, अगर आप 2-3 घंटे पहले चले जाए वो आपकी मर्जी है, बेस्ट है ये चले जाए वही अच्छा रहेगा। इसके मतलब एक वीडियो क्लिप सामने आ चुका है जो कि मैं अभी देख रहा था, आम रोड्स के ऊपर भी ऐसा हो जाता है। सऊदी में हम जैसे कि काम करते हैं और खासकर जो भाई बाहर रोड्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं उनको उनके साथ वैसे मामला हो जाते हैं और मैंने ऐसे मामला हज जब मैंने किया है, अकबरी हज आया था तकरीबन आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, जब अकबरी हज हुआ था सऊदी में उस टाइम मैंने हज किया था, उस टाइम मैंने यहाँ हज के ऊपर ऐसे भाई सीन देखे थे। तो सीन क्या है देख लें, यहाँ पर आपको मैं वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले जी। तो क्लिप आपने सुन लिया है, फतल या हबीबी फ्री फ्री के नारे लगाए जा रखे हैं, साथ में बोला जा रहा है फ्री फ्री, इसलिए बोल रहे हैं जाहिर सी बात है हाजी पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियन हाजी हजरात होते हैं उमरा पर गए हुए जारीन है तो उनको समझ आ जाए चाहे। अब पानी देखने जी ठंडा बिल्कुल एकदम से फ्री, वो बोल रहा है कि जितना मर्जी उठाओ पियो, केक साथ में दिए जा रहे हैं, खाओ पानी पियो। और ये अगर इसके मतलब अगर कोई बंदा आप साथ ये बात कर रहा है अभी कि मैं 15 घंटे हो गए वहां पर खाने पीने कुछ नहीं मिला तो वो झूठ बोल रहा है, सिंपल सी सवाल। इस क्लिप के अलावा अभी मैंने बहुत से क्लिप ऐसे देखे हैं जिसमें खाने पीने वाली चीजें तकसीम की जा रही है, साथ में पानी दिए जा रहे हैं लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला काफी हद तक नॉर्मल कंडीशन पर आ चुके हैं। आप भाइयों के अगर फ्लैट्स वगैरह है या आप जाना चाह रहे हैं लेना चाह रहे हैं तो ओके करवा लें, कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की।